कृषि क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ। मानसून पर निर्भरता एवं जल संरक्षण। भारतीय कृषि का अधिकतर भाग आज भी मानसून पर निर्भर है। एक ओर जहाँ सामान्य एवं समय पर हुई वर्षा कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायक होती है, वहीं दूसरी ओर अतिवृष्टि एवं सूखा से कृषि क्षेत्र चरमरा जाता है। फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियों, कीटों के प्रकोप, ओलावृष्टि आदि से कभी कभी कृषि उत्पादन में कमी के साथ साथ लागत वापस मिलना तक मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे कर्ज के कारण भी परेशान हो जाते हैं। किसी भी प्राकृतिक परिवर्तन से जूझने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता होती है। फसल बीमा, अनाजों का संग्रहण, मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर फसल के प्रकार का चयन जैसे उपाय अपनाकर समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार की योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हमारे लिए एक चुनौती है। आज हमारे देश में लगभग 45% कृषि भूमि सिंचाई के विभिन्न साधनों से सिंचित है, फिर भी एक बड़ा हिस्सा केवल मानसून पर निर्भर है। सिंचित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई भूमिगत जल के माध्यम से की जाती है, परंतु यहाँ भी अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन से जल स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है। अतः हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या को समझना होगा। भूजल संग्रहण के लिए हमें वर्षा जल को स्टॉप डैम, मेड़बंदी, गहरे कुएं बनाकर संग्रहित करना चाहिए। इससे भूजल स्तर में गिरावट की संभावना कम हो जाएगी। भूजल वैज्ञानिकों के सुझाव अब लोगों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे अपनाए जा रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखना। सन 1960 के दशक से हरित क्रांति की योजना की शुरुआत की गई। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों आदि का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की गई। फसलों के अधिक उत्पादन की चाह में कृषक वर्ग द्वारा अपनी भूमि में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे अनाज भंडारण बढ़ा, अकाल पर काबू पा लिया गया और खाद्य सुरक्षा संभव हो पाई। भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की सड़न अपघटन के कारण तरह तरह के पोषक तत्व भूमि में बनते रहते हैं। खेती के तरीके में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे व्यापक रूप से जैविक खाद का उपयोग करना और मिश्रित और बहुफसलीय कृषि को अपनाना। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और कृषि लागत अपेक्षाकृत सस्ती हो जाएगी। मिश्रित एवं बहुफसलीय कृषि के अपनाए जाने से प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होने वाली हानि से फसल को बचाया जा सकता है। जैसे किसी गांव के कृषक रबी के मौसम में विभिन्न खेतों में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि की उपज लेने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक परिवर्तन से कुछ फसल ही प्रभावित हुई एवं शेष फसल को बचा लिया गया। सूखी खेती के इलाकों में देशी एवं कम पानी वाली फसलें जैसे जौ, बाजरा, मूंग, उड़द आदि का उत्पादन किया जा सकता है।